स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द बेसल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है। एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें, और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बेसल इक्वेशन के बारे में। एक्चुअल में बेसल इक्वेशन होता क्या है, एंड देन उसको उस बेसल इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या ये ऑर्डिनरी पॉइंट दे रहा है या तो फिर सिंगुलर पॉइंट। तो पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट बेसल इक्वेशन, ये हो जाता है हम लोग के पास बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस अब एक्स वाई सिंगल डैश प्लस अब एक्स स्क्वायर माइनस अब एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, राइट, ये कहलाता है बेसल इक्वेशन। इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें ये चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या ये ऑर्डिनरी पॉइंट दे रहा है या तो फिर सिंगुलर पॉइंट दे रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट ऑर्डिनरी पॉइंट देगा या सिंगुलर पॉइंट। ये जो पार्ट होता है वो पी एक्स कहलाता है, ये जो पार्ट होता है वो क्यू एक्स कहलाता है, ये जो पार्ट होता है वो आर एक्स कहलाता है। हम लेट कर देते हैं, पी एक्स का कोफिशियंट को ले लेते हैं, तो क्या है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, या पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से क्या हो जाएगा पी जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा। तब के स्थिति में स्टूडेंट पी एक्स का वैल्यू यदि जीरो हो जाता है तो ये क्या देगा सिंगुलर पॉइंट देगा, क्या देगा सिंगुलर पॉइंट। और ये सिंगुलर पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या तो फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस फर्स्ट हो जाता है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स क्यू एक्स अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास पी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स, इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास क्यू एक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट एक्स है एंड देन एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी इंटू वन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट सीधा सीधा वन हो जाएगा। दिस इज द फाइनाइट नंबर, क्या कहलाएगा ये हम लोग के पास फाइनाइट नंबर कहलाएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट केस टू, केस टू में देखते हैं तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर एंड आर एक्स अपान हो जाएगा हम लोग के पास पी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, किसका वैल्यू स्टूडेंट आर एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर अपान में एक्स का स्क्वायर। यहां से हम चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट और ये जो लोग कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एन का स्क्वायर होगा। अब यहां से पुट कर देंगे वैल्यू स्टूडेंट तो जीरो स्क्वायर माइनस ऑफ एन का स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन का स्क्वायर इज द फाइनाइट। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमें फाइनाइट नंबर फाइंड आउट होगा। तो ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, ये टू टाइप से हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। स्टूडेंट यहां पर भी फाइनाइट नंबर आ रहा है और यहां पर भी फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो ये जो इक्वेशन होगा ठीक है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दे रहा है। यदि इरेगुलर कब होगा, यहां पर फाइनाइट यहां पर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो सच टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड बाय द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये होगा स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास रेगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये दे रहा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ये देखना है जब ये यहां से एक पी एक्स इक्वल टू उसका वैल्यू जीरो हो जाता है तब के स्थिति में स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फ्रोबोनियस मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। यदि यहां पर जीरो ना होकर के वन आता तो लेजेंड्रे मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। इसका पिछला वाला वीडियो आप जाकर के जरूर देखें, एंड देन यहां आओगे तो आपके अच्छे से समझ में आने वाला है राइट। अब स्टूडेंट ये देखते हैं इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर वन लेते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग फ्रोबोनियस मेथड राइट, ये एन है स्टूडेंट फ्रोबोनियस मेथड, और ये क्या होता है स्टूडेंट इसका पावर सीरीज जो होगा एक्सपोनेंशियल पावर सीरीज वो होगा वाई इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हम लोग के पास टू होगा ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन से देखते हैं तो वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश और वाई इसका वैल्यू हमें यहां पर पुट करना पड़ेगा कहां से यहां से, इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू का क्या कर देते हैं दोनों साइड से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा देखो डीवाई अपॉन में डीएक्स
इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स समेशन एन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, ये हो गया स्टूडेंट। यहां से इसको लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू वन टाइम डिफरेंशिएबल है तो वन लिखते हैं एंड देन के प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट एम हो जाएगा और सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस वन। अगेन डिफरेंशिएट कर देते स्टूडेंट, अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते स्टूडेंट। तब की स्थिति में डीवाई डेस अपान में डी एक्स इक्वल टू डी अपान में डी एक्स समेशन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव सी एम, राइट सी एम एंड मिला है स्टूडेंट हम लोग के पास के प्लस एम मिला है एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस वन, ये मिला है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट वाई डबल डेस इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एम इक्वल टू टू हो जाएगा, टू टाइम जा रहा है एंड देन इन्फिनेटिव तो के प्लस एम ये सामने आ जाएगा स्टूडेंट के प्लस एम माइनस ऑफ वन होगा एंड देन सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये स्टेप का फाइंड हो जाता है। नाउ वाई वाई डेस एंड वाई डबल डेस ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या कर देते हैं स्टूडेंट पुट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन वन क्या है हम लोग के पास, यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस प्लस अब एक्स वाई डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अब एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर समेशन एम इक्वल टू 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 इन्फिनेटिव के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस वन सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस अब टू प्लस, यहां से मिल जाएगी स्टूडेंट एक्स समेशन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव के प्लस एम, राइट सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस अब क्या मिला स्टूडेंट वन मिला है प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अब एन स्क्वायर और यहां से जो वाई का वैल्यू है एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव हो जाएगा सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमें जीरो मिलेगा, राइट इसका जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इधर को हम लोग क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं, राइट ये वाला टर्म को क्या कर देते हैं हम लोग टोटल इरेज कर देते हैं, इधर का जरूरत नहीं है, राइट अभी इक्वेशन नंबर वन का भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं इसको टोटल को इरेज कर देते हैं, राइट क्या कर देंगे सबको इरेज कर देते हैं। ये देखो ये हो गया स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं स्टूडेंट तब की स्थिति में क्या हो जाएगा एम इक्वल टू 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 इन्फिनेटिव एंड के प्लस एम, राइट एंड के प्लस एम माइनस वन ये अंदर जाएगा तो सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस टू और प्लस टू हो जाएगा स्टूडेंट, राइट ये यहां पर जाकर के प्लस टू कर लेगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस टू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से हो जाएगा सॉरी प्लस समेशन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव के प्लस एम और सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का ये वन हो जाएगा अटैच हो जाएगा प्लस इसको अलग अलग करना चाहे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट अलग करके इसको क्या कर देते हैं हम लोग अटैचमेंट कर देते हैं तो m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव यहां से हो जाएगा सी एम एक्स रेस टू द पावर ये यहां चला जाएगा स्टूडेंट k प्लस एम प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर अब यहां से हो जाएगा समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर k प्लस एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है उसको x साइड लिखते हैं स्टूडेंट मैं इसको पहले ले जाता हूं। देखो अब ये पर रहा है एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस वन के प्लस एम है, राइट इसको और इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो एक साइड में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट समेशन एम इक्वल टू 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 इन्फिनेटिव के प्लस एम एंड देन के प्लस एम माइनस वन सी एम
एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस, इसको लेते हैं एम इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव के प्लस एम एंड देन सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम हो जाएगा, और प्लस माइनस ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको पहले लिख देते हैं माइनस एन का स्क्वायर समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, इसको लिखते हैं माइनस, अब प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एंड देन सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। इसको एक इक्वेशन हम लोग नाम दे सकते हैं, नहीं तो एक बार और सॉल्यूशन करके उसका नाम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। अब देखो इसमें यहां से आपको सिर्फ ये सोचना है स्टूडेंट, देखो यहां से m इक्वल टू टू रेस टू टू इन्फिनेटिव, m इक्वल टू वन टू इन्फिनेटिव, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, तो हम सीधा सीधा ये तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ये लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, ये लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं? इन्फिनेटिव। थोड़ा सा एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं स्टूडेंट, ये है, यहां इसको लिख सकते हैं हम लोग implies that summation m equal to 0 to infinity. अब यहां से student मैं cm इधर कॉमन निकाल लेता हूं, cm curly bracket बना देता हूं, तो इसमें बचा क्या मेरे पास k plus m और k plus m minus 1 बचा, ठीक है स्टूडेंट, ये सामने साइड बाहर होगा। अब इसमें देखो cm बाहर निकाल दिया तो k plus m बचा, k plus क्या बच गया हम लोग के पास m बचा, और दूसरे में क्या बच गया लास्ट में n का स्क्वायर बच गया, curly bracket क्लोज, एक्स रेस टू दी पावर के प्लस एम को हम लोग क्या कर देते हैं सामने सेट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट प्लस समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एंड देन सी एम एक्स रेस टू दी पावर के प्लस एम प्लस अब क्या हो जाएगा टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इसको हम एक इक्वेशन नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखो इसको सोल्यूशन करके अगेन इक्वेशन दे सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, एक बार सोल्यूशन कर देते इसको, और तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, यहां से क्या हो जाएगा सी एम, यहां से देखो स्टूडेंट k प्लस एम सॉल्यूशन हो जाएगा, तब की स्थिति में क्या मिलेगा k प्लस एम मिल गया, अब यहां से मिलेगा k प्लस एम माइनस वन प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास वन बचेगा माइनस एन का स्क्वायर और x रेस्ट टू द पावर k प्लस एम। स्टूडेंट देखो इनमें से ये टर्म से हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इस टर्म से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रेकेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस वन के प्लस एम माइनस वन और ये यहां से क्या बचेगा प्लस वन बचेगा, राइट स्टूडेंट, तब के स्थिति में इतना हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते थे आपस में कैंसिल हो जाता है, समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम यहां लिख सकते हैं के प्लस एम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन का स्क्वायर और एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम हो जाएगा प्लस समेशन एम इक्वल टू जीरो टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट इन्फिनेटिव हो जाएगा सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम प्लस अब टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा जीरो मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखना है स्टूडेंट ये हम लोग के पास ए स्क्वायर माइनस अब बी का होल स्क्वायर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में है, तो यहां से क्या हो जाएगा समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एंड देन सी एम इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं यहां से देखो लिख सकते हैं हम लोग यहां के प्लस एम माइनस ऑफ एन सेकेंड ब्रैकेट में के प्लस एम प्लस अब क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं करली ब्रैकेट क्लोज करके एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम लिख सकते हैं प्लस अब एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम प्लस अब टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें जीरो मिलेगा, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको एक इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, कौन सी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ये यहां पर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखना है कि हमें लेट एक्स रेस टू द पावर के एक्स रेस टू द पावर के ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं एम्प्लाइज दैट यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी एम के प्लस एम माइनस एन के प्लस एम प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब ये देखना है स्टूडेंट यहां से पुट एम इक्वल टू जीरो तो क्या मिल जाएगा सी नॉट
इक्वल टू सी नॉट और ब्रैकेट में मिलेगा के और एम के स्थान पर जीरो माइनस एन के प्लस जीरो प्लस अब एन इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट हम चाहे तो सबको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सी नॉट का वैल्यू निकालना है राइट, सी नॉट का वैल्यू निकालना है तो सी नॉट का वैल्यू भी निकल जाएगा। यदि मान लीजिए हमें के का वैल्यू निकालना है तो के का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट यहां से इसको ट्रांसफर कर देते हैं, के का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, के माइनस एन एंड देन क्या हो जाएगा के प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट के माइनस एन इक्वल टू जीरो, आर हो जाएगा के प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट के इक्वल टू एन एंड देन के इक्वल टू माइनस एन, ये वैल्यू चाहिए मुझे स्टूडेंट राइट। इधर का जरूरत नहीं है, बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूं, जो जरूरत है उतना ही रखता हूं स्टूडेंट। ये इधर का जरूरत नहीं है ठीक है स्टूडेंट, कहां तक का जरूरत नहीं है, ये सारे चीज का जरूरत नहीं है राइट। ये हो गया, हम लोग यहां सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसका जरूरत है ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक क्या कर देता हूं मैं इरेज कर देता हूं, चलो ये हो गया ये ठीक है स्टूडेंट। यहां से हम k इक्वल टू एन और k इक्वल टू माइनस एन निकाल लिए। अब ये देखना है स्टूडेंट अगेन फ्रॉम इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर से देखते हैं, इक्वेशन फोर से है तो सी एम ब्रेकेट अप k प्लस एम माइनस एन और k प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये हो गया, पुट m इक्वल टू वन तो क्या मिलेगा स्टूडेंट c1 और यहां से क्या हो जाएगा k प्लस वन माइनस एन और यहां से k प्लस वन प्लस अप n इक्वल टू जीरो। यहां से c1 का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट, सबको ट्रांसफर कर दो तो जीरो अपान में क्या हो जाएगा k प्लस वन माइनस एन और k प्लस वन प्लस एन राइट। तो यहां से c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा जीरो मिलेगा, c1 इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट जीरो मिल गया। अब हमें यह देखना है अगेन अगेन फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री से लेते हैं तो इक्वेशन थ्री में क्या है स्टूडेंट ये मिला हुआ है। इक्वेशन थ्री ये कहता है, इसको मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे, इक्वेशन थ्री क्या कहता है समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटिव सी एम और यहां से मिल जाएगा हमें के प्लस एम माइनस एन, ये मिला। दूसरा क्या मिला स्टूडेंट के प्लस एम प्लस एन, ये हो गया एक्स रेस्ट टू द पावर के प्लस एम हो जाएगा प्लस समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेस्ट टू द पावर के प्लस एम प्लस टू, ये मिला हुआ है राइट स्टूडेंट ये। अब यहां से ये देखना स्टूडेंट ये हो गया, हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसको एडजस्ट करते हैं, क्यों एक्स रेस्ट टू द पावर के प्लस एम चाहिए और यहां पर क्या एक्स रेस्ट टू द पावर के प्लस एम प्लस टू, तो इसके स्थान पर हम क्या रिप्लेस करेंगे m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव यहां लिख सकते हैं सी एम एंड देन k प्लस एम माइनस एन और k प्लस एम प्लस एन राइट, और x रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास k प्लस एम, ये मिला है प्लस इसको k प्लस एम बनाएंगे तो समेशन m के स्थान पर m माइनस टू लिख देते हैं m माइनस टू इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, तो यहां से क्या हो जाएगा m माइनस टू हो जाएगा और इसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको इरेज कर देते हैं ये देखो ठीक है, इसका जरूरत नहीं है हमें, इसका जरूरत है और बाकी का जरूरत नहीं है तो इसको रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स रेस्ट टू द पावर के प्लस एम प्लस टू माइनस अब क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो, ये भी जीरो है हम लोग के पास, इसको भी इरेज कर देता हूं इक्वल टू क्या है जीरो है। बाकी चीज का कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट, इस वैल्यू का जरूरत है और इस वैल्यू का जरूरत है राइट, बाकी सबको क्या कर दूंगा मैं इरेज कर दूंगा। तो देखते हैं स्टूडेंट यहां से ये कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो समेशन m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव सी एम इसको लिख सकते हैं k प्लस एम माइनस ऑफ n एंड हो जाएगा k प्लस एम प्लस ऑफ n राइट x रेस टू द पावर k प्लस m होगा स्टूडेंट प्लस इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे m इक्वल टू क्या मिलेगा टू टू इन्फिनेटिव सी एम माइनस टू एक्स रेस टू द पावर क्या मिल जाएगा के प्लस एम इक्वल टू जीरो। यहां ये करते हैं स्टूडेंट लेट लेट हम लोग क्या करेंगे एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम ऑफ द कोफिशेंट
इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के इक्वल ले लेते हैं। तो जीरो के इक्वल लेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सी एम इक्वल टू, या तो फिर सी एम इक्वल करेंगे तो सीधा सीधा, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं के प्लस एम माइनस एन, और के प्लस एम प्लस एन राइट, प्लस क्या हो जाएगा सी एम माइनस टू, बाकी तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देते, सी एम का वैल्यू निकाल देते स्टूडेंट, सी एम का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा सी एम माइनस अब टू हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हम लोग के पास के प्लस एम माइनस एन एंड के प्लस एम प्लस अब एन हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव राइट, इक्वेशन नंबर फाइव। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट एम इक्वल टू टू थ्री फोर और फाइव, ये पुट करते हैं वन बाई वन, बाकी इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, जो चीज का जरूरत है उसको मैं लिख दूंगा, बाकी सबको टोटल को इरेज कर दूंगा, इधर का जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, इतना को इरेज कर देते हैं राइट, ये इसका जरूरत नहीं है हमें, के का वैल्यू का जरूरत है, ये हो जाएगा इतना को हम लोग क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, ये हुआ ठीक है स्टूडेंट। इस वैल्यू को मैं यहां लिख दिया रहता हूं, के इक्वल टू क्या मिला हमें एन, और के इक्वल टू माइनस एन मिला है, इसका भी जरूरत नहीं है, और सी वन इक्वल टू क्या मिला है जीरो मिला है, तो बाकी सबको मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट इरेज कर देता हूं, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां पर देखो पुट एम इक्वल टू टू, एम इक्वल टू मैं टू पुट करूंगा इसमें तो क्या मिल जाएगा मुझे सी टू, क्या मिलेगा स्टूडेंट सी टू, टू पुट कर रहा हूं यहां से क्या मिल जाएगा इक्वल टू माइनस सी टू माइनस क्या हो जाएगा टू मिलेगा स्टूडेंट राइट, अपॉन एम के स्थान पर टू पुट करूंगा मैं, एम के स्थान पर टू पुट कर रहा हूं राइट, तो क्या मिलेगा हमें के प्लस टू माइनस अब क्या हो जाएगा एन, ये यहां से क्या हो जाएगा के प्लस टू प्लस अब एन यही मिलेगा। अब इसको देखें स्टूडेंट तो सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अब सी नॉट मिलेगा, और के प्लस टू माइनस अब एन यहां से मिल जाएगा के प्लस टू प्लस अब क्या हो जाएगा एन, ये मिला सी टू का वैल्यू। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी थ्री, सी थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सी थ्री का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा देखो सी थ्री कहां पर है ये यहां पर रख दूंगा तो सी थ्री इक्वल टू ये क्या हो जाएगा थ्री तो मतलब वन बच जाएगा ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस सी वन अपॉन सी वन यहां से माइनस वन करेंगे तो माइनस टू करेंगे तो वन बचेगा तो सी वन अपॉन यहां से हो जाएगा के प्लस अब थ्री प्लस या तो फिर माइनस है तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग एन अगेन क्या हो जाएगा के प्लस थ्री प्लस अब एन स्टूडेंट आप देखो सी थ्री इक्वल टू इसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट क्या है जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेम हम लिख सकते हैं स्टूडेंट सी वन इक्वल टू जीरो सी थ्री इक्वल टू जीरो एंड देन सी फाइव इक्वल टू जीरो ऑल जो ऑड नंबर है उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा जीरो आएगा आप लोग सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। अब ये देखना है स्टूडेंट यहां से अगेन क्या कर देंगे हम लोग फोर पुट करेंगे तो सी फोर हो जाएगा इक्वल टू यहां फोर पुट करके मैं टू माइनस कर दूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा ये सी टू हो जाएगा अपॉन यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस क्या रख रहा हूं मैं फोर रख रहा हूं माइनस अब क्या हो जाएगा एन ठीक है स्टूडेंट फोर प्लस एन अब यहां से क्या हो जाएगा ब्रेकेट अप के प्लस फोर प्लस अप एन ये हो गया। सी टू का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते तो सी फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी टू का वैल्यू ऑलमोस्ट यहां पर माइनस है माइनस माइनस प्लस तो ये क्या मिल जाएगा सी नॉट अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस टू माइनस एन एंड देन के प्लस टू प्लस एन और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा स्टूडेंट तो अपॉन में हो जाएगा यहां पर के प्लस फोर माइनस एन और के प्लस फोर प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन ये स्टेप का वैल्यू फाइंड आउट होगा ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसी तरीके से अदर वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में लेकर के पुट करेंगे स्टूडेंट क्या करेंगे C1, C2, C3, C4 of the value putting in equation number 2. Equation number क्या है स्टूडेंट यहां पर 2 है राइट 2 में लेकर के पुट करते हैं बाकी किसी का जरूरत नहीं स्टूडेंट मैं इरेज कर देता हूं वैल्यू ला करके सीधा सीधा पुट करूंगा ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इधर का मुझे जरूरत नहीं है अब
अब सिर्फ वैल्यू को मैं पुट करूंगा, ये टू का वैल्यू मिल गया है मुझे और वन का वैल्यू मिल गया है, थ्री का वैल्यू मिल गया है, फोर का मिल गया, फाइव का मिल गया, सिक्स हमें वैल्यू आएगा, तो इतना वैल्यू में हमारा काम चल जाएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, टोटल को इरेज कर देता हूँ। ये यहां तक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इरेज हो जाएगा। ये देखो ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू में लेकर के पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं इसके सिद्ध में लिखता हूं स्टूडेंट, ये हो जाएगा एम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हो समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव एंड देन सी एम एक्स रेस टू द पावर के प्लस एम, के प्लस एम को कॉमन निकाल दूंगा स्टूडेंट, तो वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर के समेशन, इसको मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये देखो यहां से मैं लिख सकता हूं सी नॉट प्लस अब सी वन, सी नॉट प्लस सी वन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी टू, ये एक्स होगा सी वन एक्स और सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास सी थ्री एक्स क्यूब, अब सोन स्टेप को चलते जाएगा, ये वैल्यू हो गया। यहां पुट करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर के एंड देन सी नॉट हो जाएगा राइट। अब उसके बाद सी वन का वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट, जीरो मिला है, प्लस सी टू का वैल्यू माइनस में मिला है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस हो जाएगा, देखो C2 का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ क्या मिल जाएगा C नॉट अपान में K प्लस टू माइनस एन एंड देन K प्लस टू प्लस अब एन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड देन x का स्क्वायर प्लस थ्री वाला वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है जीरो मिला है एंड देन x क्यूब और अगेन प्लस आ जाएगा C4 का वैल्यू जो मिला है स्टूडेंट, ये C नॉट अपान में है K प्लस टू माइनस एन एंड देन K प्लस टू प्लस एन एंड मिला है स्टूडेंट K प्लस फोर माइनस एन एंड देन हो जाएगा के प्लस फोर प्लस अब एन, ये मिला स्टूडेंट एंड एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस अब सोन चलते जाएगा, ये मिलेगा स्टूडेंट, ये वैल्यू तो टर्म जीरो है हम लोग के पास, तो वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर के एंड देन स्टूडेंट सी नॉट और जीरो हो जाएगा माइनस सी नॉट अपान में हो जाएगा के प्लस टू माइनस अब एन एंड देन के प्लस टू प्लस अब क्या हो जाएगा एन और यहां से अगेन जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, तो मतलब हम लोग के पास सी नॉट और यहां पर क्या है एक्स का स्क्वायर है राइट, एक्स का स्क्वायर है सी नॉट अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस टू माइनस ऑफ एन एंड देन के प्लस टू और प्लस ऑफ एन और यहां से के प्लस फोर माइनस ऑफ एन, अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस फोर प्लस अब क्या हो जाएगा एन और एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस अब सोन क्या होते जाएगा ये चलते जाएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू यहां से x रेस टू द पावर k कॉमन निकाल देते हैं c नॉट, तो हम लोग के पास क्या बचा है स्टूडेंट, यहां पर बचा है 1 माइनस अप हो गया x स्क्वायर अपान में हो जाएगा k प्लस टू प्लस माइनस अप क्या हो जाएगा हम लोग के पास n एंड मिल जाएगा k प्लस टू प्लस अब क्या मिला है n, अब यहां से हो जाएगा स्टूडेंट प्लस c नॉट के स्थान पर x रेस टू द पावर 4 और यहां वैल्यू पुट करेंगे तो k प्लस टू माइनस अब एन यहां से के प्लस टू प्लस अब एन एंड देन के प्लस फोर माइनस एन और यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट के प्लस फोर प्लस अब एन राइट और प्लस अब सोने क्या होते जाएगा चलते जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फाइव टू तो सिक्स आ जाएगा, जो भी इक्वेशन नंबर देना चाहते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या मिला था स्टूडेंट, वन मिला था, टू मिला था, थ्री फोर ये फाइव हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये फाइव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वेशन नंबर फाइव अब यहां से ये लिखते हैं स्टूडेंट, बाकी सबको इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग के पास इरेज हो जाएगा, ये देखो ये आ गया। अब यहां ये देखना है स्टूडेंट के रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर के, एक्स रेस टू द पावर के तो के का तो टू वैल्यू फाइंड आउट हुआ है ना, ये तो वन वन वैल्यू को क्या कर देंगे वन बाय वन रखते जाएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट केस फर्स्ट में के इक्वल टू एन पुट एन इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन फाइव क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास वाई इक्वल टू यहां लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर एन एंड देन सी नॉट और ये मिल जाएगा स्टूडेंट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से के स्थान पर एन लिखते जाए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास n हो जाएगा प्लस अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस अब हो जाएगा n
एंड देन क्या हो जाएगा एन प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू और प्लस अब क्या हो जाएगा एन ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर इसको लिख सकते हैं देखो जहां पर के है वहां पर एन प्लस अप हो जाएगा टू माइनस अप एन यहां पर हो जाएगा एन प्लस अप टू प्लस अप क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन अगेन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन और एंड हो जाएगा हम लोग के पास प्लस फोर माइनस अप एन और यहां से हो जाएगा एन प्लस अप फोर और प्लस अप क्या हो जाएगा एन अपसोन इसी तरीके से क्या होते जाएगा स्टूडेंट ये चलते जाएगा ये हो जाएगा ठीक स्टूडेंट अब देखो ये क्या मिलेगा y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर n और c नॉट यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और ये देखो 2 मिल जाएगा राइट क्या मिलेगा स्टूडेंट ये और ये तो आपस में कैंसिल होगा क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा अगेन इसमें देखो यहां से 2 कॉमन निकाल करके मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा फिर 1 प्लस एन हो जाएगा अब प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 इसको देखो स्टूडेंट ये दोनों आपस में कैंसिल तो यहाँ पर टू बचा है इसमें से क्या मिलेगा टू कॉमन लिख लेगा तो वन प्लस क्या हो जाएगा एन होगा वन प्लस एन अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट इसमें से ये दोनों कॉमन लिख लेगा तो ये कट जाएगा मतलब तो यहां से क्या मिल जाएगा फोर मिलेगा इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं टू कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या मिला स्टूडेंट टू प्लस अब एन मिल गया अब सोन इसी टाइप से क्या होते जाएगा ये चलते जाएगा ठीक है एक वैल्यू ये हो गया इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन और इसको सी नॉट को हम लोग ए में कन्वर्ट कर देते हैं किसमें ए में कन्वर्ट कर दिए ये हो गए स्टूडेंट तब की स्थिति में क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान में टू टू मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग फोर क्या लिख सकते हैं फोर वन प्लस एन लिख सकते हैं प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर फोर और ये हो जाएगा फोर वन प्लस एन एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास एट और ये हो जाएगा टू प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन अब सोन स्टेप पे क्या होते जाएगा ये चलते जाएगा ठीक है अब यहां से क्या करते स्टूडेंट केस टू क्या कर देंगे हम लोग केस टू में ये देखते हैं क्या देखेंगे k इक्वल टू माइनस एन और k इक्वल टू माइनस एन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर माइनस एन और यहां से मिलेगा c नॉट और ये देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर अब यहां पर वैल्यू पुट करो आप राइट अगेन पुट इन इक्वेशन फाइव ये इक्वेशन फाइव में अगेन पुट कर दो इसमें तो ये देखो यहां पर क्या है वन है एक्स स्क्वायर है यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस एन और प्लस क्या हो जाएगा टू माइनस अब क्या हो जाएगा एन अगेन क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस अब टू प्लस अब एन ये हो गया स्टूडेंट प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एन और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू माइनस एन मिल गया और यहां से माइनस एन और प्लस अब टू और ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस एन और यहां से क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस फोर और माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन अगेन क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस अब फोर और ये क्या हो जाएगा प्लस एन और ये अपसोन स्टेप पे चलते जाएगा ठीक है स्टूडेंट तो यहां से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर माइनस एन और ये हो जाएगा हम लोग के पास सी नॉट इसको इरेज कर देते स्टूडेंट नीचे को ये हो गया हम लोग के पास ये हो गया अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये दोनों आपस में टू हो जाएगा राइट तो यहां से मैं ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टू एन और प्लस अब टू कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट मैं इसमें टू कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा वन माइनस एन हो जाएगा तो टू कॉमन निकाल दो तो वन माइनस एन हो जाएगा स्टूडेंट राइट वन माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन हो जाएगा ये आ गया अब अगेन इसको देखते स्टूडेंट तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से सीधा सीधा टू आकर के ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास फोर हो जाएगा क्या मिल जाएगा फोर प्लस एक्स रेस टू द पावर क्या लेते हैं हम लोग फोर और अगेन स्टूडेंट हम इसके बारे में देखते हैं तो ये अगेन क्या हो जाएगा देखो कट जाएगा तो मतलब यहां से टू तो ये हो जाएगा हम लोग के पास फोर और ये मिल जाएगा वन माइनस एन मिलेगा ठीक है स्टूडेंट वन माइनस एन मतलब यहां से देखो ये टू हो जाएगा तो टू कॉमन निकालूंगा तो एन माइनस क्या हो जाएगा हम लोग वन माइनस एन मिल जाएगा और अगेन क्या हो जाता है स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो क्या हो जाएगा फोर मिल जाएगा अब इन दोनों में से देखो आप
तो इसमें से क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये और ये, और टू कॉमन निकालूंगा, राइट, ये टू कॉमन निकालूंगा, टू कॉमन निकाल लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टू माइनस ऑफ एन मिलेगा, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से जो कट रहा है उसको कटा दो और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। ये इनमें से हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो पहला ये इसमें से ये आया और इसमें से ये टू मिल गया और इन दोनों में से ये आया और अगेन क्या मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट, हमें फोर मिल जाएगा, राइट। प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा, स्टेप का चलते जाएगा, तो यहाँ पर एट हो जाएगा। इसको मैं सीधा सीधा एट लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, एट लिख दूंगा तो पर भी चलेगा। तो यहां से क्या कर देते हैं, वाई इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर माइनस एन और इसको हम बी ले लेते हैं स्टूडेंट, एक बार बी ले लेते हैं, एक बार ए लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर वन माइनस एन एंड देन प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर और यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट फोर वन माइनस एन एंड देन हो जाता है एट और यहां से हो जाएगा टू माइनस ऑफ एन। अब सोन इसी टाइप के क्या होते जाएगा स्टूडेंट, चलते जाएगा और ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। लास्ट में ये मिला स्टूडेंट, यदि रूट डिफरेंट है, यदि रूट डिफरेंट है तो हमें जो इक्वेशन मिला है वो क्या हो जाएगा, देखो रूट क्या है स्टूडेंट, यूनिक, क्या है रूट, यूनिक है, इसलिए y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें a x रेस टू द पावर n प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास b x रेस टू द पावर माइनस n। यदि रूट यूनिक है तो अलग अलग है तो इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा और यदि रूट एक जैसे है उसके लिए अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।